तो यारो कैसे हो आप सभी लोग। मैं जा रहा हूँ अभी एक जगह इंटरव्यू देने, क्योंकि तो पुरानी जगह जहाँ काम कर रहा था वहाँ से तो नौकरी छूट गई कुछ कारणों से, और आज के टाइम में नौकरी मिलना भी बड़ा मुश्किल काम हो गया है। 10 जगह रिफरेंस लगाओ तब जाके कहीं एक जगह मिलता है। अब एक जगह रिफरेंस लगाया हूँ, देखता हूँ मिलता है कि नहीं मिलता है। वैसे तो 3-4 दिन हो गए नौकरी ढूंढ ही रहा हूँ, मिल ही नहीं रही, बड़ी समस्या चल रही है। तो देखते हैं क्या होता है। जितने यार दोस्त हैं सभी को फ़ोन घुमा रहा हूँ कि शायद कहीं किसी के पास वैकेंसी निकली हो। फिलहाल तो कहीं से कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं। एक तो जब ऐसी ज़रूरत पड़ती है तब या तो किसी का नंबर लगता नहीं है या तो वैकेंसी होती ही नहीं है। वैसे अगर कहीं करते रहो तो हर रोज़ पता चलता है कि यहाँ वैकेंसी है वहाँ वैकेंसी, हर कोई बताता रहता है, मगर जब ज़रूरत पड़ती है तो कहीं वैकेंसी निकलती ही नहीं है, ना कहीं भी किसी को नौकरी मिल पाती है। जब तक खुद न दौड़ धूप के करो, खुद ही दौड़ना पड़ रहा है। अब 10 जगह इधर उधर देख रहा हूँ कहाँ मिलती है कहाँ नहीं मिलती है। आप भी जूझते होंगे ऐसी परेशानियों से, आप अपनी राय बताइए आपको कैसी कैसी परेशानी फेस करनी पड़ती है। मुझे तो यार बड़ी परेशानी हो रही है जॉब खोजने में। देखते हैं कब तक मिलता है। एक तो ऐसा टाइम चल रहा है कि बिना नौकरी के आप जी नहीं सकते। पहले का ज़माना ही ठीक था, आराम से खेती बाड़ी करके मौज से जियो। तो अभी एक जगह से इंटरव्यू दे के निकला हूँ, मगर लगता नहीं है कि यहाँ होने वाला है। अब और कई जगह ट्राई करना पड़ेगा, अब कल ट्राई करूँगा। आज तो पूरा दिन निकल गया है यहीं पे एक ही जगह। इतनी भीड़ थी, इतनी सारे बच्चे आए हुए थे कि अब उनमें से मेरा होगा कि नहीं ये तो डाउट ही लग रहा मुझे। खैर बोला तो है HR ने कि कॉल करके बताऊँगा, अब देखता हूँ कि नहीं होता है कि नहीं होता है। आप लोग भी थोड़ी दुआ करिएगा कि हो जाए, ऐसे घर बैठने में भी टाइम कटता नहीं है, कैसे टाइम काटे। और घर रहो तो कुछ ना कुछ घर के काम करो, इससे अच्छा बाहर काम करते रहो ठीक रहता है। तो देखते हैं क्या होता है।